दोस्तों सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। कभी कोई वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है तो कभी कोई वीडियो सालों बाद होती है। जनता को जो चीज जब पसंद आ जाए तब वो वायरल हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही डांसिंग स्टार्स के बारे में जो पलक झपकते ही पॉपुलर हो गए। नंबर 8, बाबा जैक्सन। आज के दौर में फेमस टिकटॉक स्टार बाबा जैक्सन उर्फ युवराज सिंह अपने अमेजिंग डांस स्टाइल के लिए टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए जाने जाते हैं। इनके डांस की तारीफ अमिताभ बच्चन, रवीना टंडन, अनुपम खेर और ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स भी कर चुके हैं। युवराज बचपन से ही एक बॉक्सर बनना चाहते थे। हाँ, अब भले ही इनके शरीर से ऐसा न लगता हो पर ये बनना तो बॉक्सर ही चाहते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर ये एक बेहतरीन डांसर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं एक बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता का सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं, पर उनके डांस स्टाइल ने इन्हें रातों रात सोशल मीडिया स्टार बना दिया। बाबा जैक्सन की वीडियो इतनी वायरल हुई कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इनके वीडियोस को ट्विटर पर रीट्वीट भी किया। इनका डांस स्टाइल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी काफी पसंद आया। इसी कारण बाबा जैक्सन वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर के प्रमोशन के दौरान भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने तो इन्हें अपनी अगली फिल्म में काम देने का भी वादा किया है। ऋतिक रोशन से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर बड़े बड़े एक्टर्स इनकी डांस की तारीफ कर चुके हैं। बाबा जैक्सन अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपने डांस को और भी बेहतरीन बनाने के लिए दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं और दिल्ली की स्केलेटन डांस ग्रुप में डांस भी सीख रहे हैं। बाबा जैक्सन डांस में अपना गुरु माइकल जैक्सन और इंडिया के मशहूर डांसर प्रभु देवा को मानते हैं। नंबर 7, किली पॉल एंड नीमा पॉल। दोस्तों इन दो चेहरों को कौन नहीं जानता। पूरे सोशल मीडिया पे 365 दिन इनका दबदबा बना रहता है। असल में तंजानिया के रहने वाली ये जोड़ी भारतीय गानों पर भारत के लोगों से अच्छी लिपसिंग और एक्टिंग करते हैं और वीडियो बनाते हैं। इनकी लिपसिंग देखकर ऐसा लगता है मानो इन्हें पूरी हिंदी आती है। एक अलग देश में रहने के बावजूद इन्हें भारतीय भाषा में कुछ ज्यादा ही लगाव है और ये काफी लंबे समय से हिंदी गाने और डायलॉग वगैरह पर एक्टिंग करके लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। वैसे कई लोग इन दोनों की जोड़ी को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या पति पत्नी की जोड़ी कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में ये दोनों भाई बहन हैं, जिसमें भाई का नाम किली पॉल और उनकी बहन का नाम नीमा पॉल है। इन दोनों ने तंजानिया में रहते हुए भी हिंदी भाषा को न केवल सीखा बल्कि आज सोशल मीडिया चलाने वाला बच्चा बच्चा इन दोनों को जानता है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में दोनों का जिक्र किया है, जिसके बाद से लोग और भी ज्यादा चर्चे में आ गए। नंबर 6, दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड की थी जहाँ ये चारों लड़कियाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हैं। इनमें से एक का नाम सोनिका, दूसरी का नाम दीपू, तीसरी का नाम दिया और चौथी का नाम किरण है। ये लड़कियाँ इस वीडियो को बस ऐसे ही मस्ती में बना रही थी, पर देखते ही देखते ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे एकदम फैल गई। इनके इस वीडियो पे करोड़ों में व्यूज आए थे। उसके बाद इन लोगों ने और भी कई वीडियोस बनाई और फेम हासिल की। आजकल ये सब मिलकर और वीडियोस बना रही हैं। नंबर 5, अंजलि अरोड़ा। दोस्तों कच्चा बादाम वाला ट्रेंड कोई कैसे भूल सकता है, और अगर ये भूल भी जाए तो इस ट्रेंड में अंजलि अरोड़ा का ये डांस तो कोई भी नहीं भूल सकता। उस वक्त अंजलि अरोड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इनके इस डांस वीडियो के वायरल होने के बाद ये रातों रात पूरे भारत में ऐसे मशहूर हो गई थी जैसे खेतों में चिंगारी लगने पे आग फैल जाती है। और इसी वीडियो के बाद इनको कई वीडियो सॉन्ग में और कई टीवी शोज में काम करने का ऑफर भी मिला। वैसे अंजलि अरोड़ा का ये वीडियो आपको कैसा लगा था कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4, आयशा। दोस्तों मेरा दिल ये पुकारे आजा पे डांस करके पूरी दुनिया में वायरल होने वाली इस लड़की का वीडियो तो आपने जरूर से देखा होगा। वैसे तो दोस्तों ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है, लेकिन भारत में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है वो गाना जिसपे वो लड़की डांस कर रही है। बता दे कि वो गाना किसी और का नहीं बल्कि लता मंगेशकर जी का है, जिसे उन्होंने नागिन फिल्म में गाया था। ये गाना 1954 में आया था। आज के ज्यादातर लोग इन सब गानों को भुला चुके हैं, लेकिन इस तरह स्लो गाने पर डांस करके इस लड़की ने वाकई में एक रिदम बना दिया था। अब चूंकि ये लड़की भारतीय गाने पर डांस कर रही है तो इसका भारत में फेमस होना तो जरूर बनता है। आज आयशा पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना ये वीडियो डाला था और वहीं से फेमस हो गई, जिसकी वजह से आज इनकी फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई है। जबकि इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने से पहले इनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन आज ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली महिला में से एक बन चुकी है। नंबर 3, गीमा आशी। दोस्तों आपको बता दे कि इनका ये डांस वीडियो साल 2019 के स्टार्टिंग में टिकटॉक पर वायरल हुआ था। गीमा आशी के इस वीडियो को लोग इतना ज्यादा देखना पसंद करते हैं कि ये वीडियो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ट्रेंड करने लगा था और हर सोशल मीडिया ऐप पर बस इन्हीं लोगों का ये डांस वीडियो देखने को मिल रहा था। दोस्तों इनके साथ इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग ऐसे ही इन्हें कॉपी करके वीडियो बना रहे थे और इस तरह से मीम्स भी बनने लगे थे। आपको बता दूं कि आज के समय में ये अपना शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हैं, जहां पर इनके 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, दोस्तों आज से लगभग एक साल पहले इस बच्ची का ये डांस वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसे भारत के लोग कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे थे। असल में वीडियो में डांस कर रही बच्ची का नाम पीहू है, जो बांग्लादेश की रहने वाली है। पहले लोगों ने अफवाह उड़ाई की पीहू नाम की ये लड़की पाकिस्तान की है, लेकिन बाद में कन्फर्म हुआ की ये बांग्लादेश की रहने वाली है। पीहू के डांस से ज्यादा लोगों को इसके चेहरे का एक्सप्रेशन पसंद आया था। वैसे देखा जाए तो इस बच्ची से अच्छा डांस करने वाले छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि पीहू का अंदाजा लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने रातों रात इसे वायरल कर दिया। बता दें कि पीहू का ये वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर वायरल हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में टिकटॉक अभी भी चलता है, इसलिए वहाँ जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे डालना शुरू किया, तब जाके भारत के लोगों तक ये वीडियो पहुँचा, जिसके बाद
तो ये लड़की अलग ही फेम हासिल कर चुकी है। नंबर एक वंशिका। दोस्तों कुछ समय पहले वंशिका के इस डांस वीडियो को आप सबने जरूर देखा होगा। कुछ समय पहले इनका ये डांस वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ था। लगभग सभी लोग इनके इस डांस वीडियो को देखना खूब पसंद कर रहे थे। आपको बता दें कि वंशिका का ये डांस वीडियो जब वायरल हुआ था तो लोगों को ये लगता था कि ये वीडियो अभी की है, पर ये वीडियो हाल की नहीं बल्कि एक साल पहले की थी, जो कुछ टाइम पहले वायरल हुआ था। जब इनकी ये वीडियो वायरल हुई तो इनको ये पता नहीं था कि मेरी एक साल पहले की वीडियो अब जाकर वायरल हुई है। इनके इस डांस वीडियो के वायरल होने के बाद इन्हें कई पॉपुलर सॉन्ग में डांस करने का मौका मिला। इस वक्त भी ये एज अ डांसर और मॉडल काम करती है। इनके इस डांस के पॉपुलर होने के पीछे की वजह थी इनकी ये मूव, जिससे एक ही नजर में लाखों लोग दीवाने हो गए। वैसे आपको इनका ये डांस कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में आगे तक। धन्यवाद।